तो दोस्तों आज हम लोग फोर्जा हॉरिज़न 5 खेल रहे हैं। आज यार मैं ड्रोन लेके निकला था, मैं आप लोग को दिखाता हूँ धीरे धीरे चल के कि मैंने यार क्या फाइंड किया है। मतलब ऐसी गाड़ी फाइंड की है ना, तो वो यहाँ पे रहना उसका बनता तो नहीं है। हम लोग को इसको किसी भी तरीके से सेव करना पड़ेगा, क्योंकि यार बहुत ही लेजेंड वाली गाड़ी है एंड मतलब बहुत लोगों के फेवरेट ब्रांड भी बोल सकते हैं हम लोग। बहुत लोग इसको प्यार करते हैं यार इस ब्रांड से। हो सकता है आप लोग सोच लिए हो कौन सी गाड़ी है मेरे को। अगर आप लोग अभी नहीं सोचे, मेरे को कमेंट करके बताओ यार कौन सी गाड़ी आपको लग रही है। इसी लोकेशन पे कहीं देखा था शायद, वो दिख रहा है मेरे को। देखते हैं हम लोग चल के पास में। गाड़ी देखो यार तुम लोग, मतलब इतनी बेकार कंडीशन में एक तो है यहाँ पे ना, पूरा ब्लैक कलर में है, पूरा टूटा फूटा गाड़ी है यार। इंजन अभी भी फाइन है, मतलब ठीक ठाक है, रन कर सकता है। हम लोग इसको अच्छा खासा ट्यून करेंगे तो अच्छा खासा चलेगा। बट यार गाड़ी देखो, लैम्बोर्गिनी कुंटाच है ये। मतलब यार प्यारी गाड़ी है ना, क्या ही बताएं, इस गाड़ी का नाम ही क्या है पहले। क्योंकि यार लैम्बोर्गिनी तो निकालती थी गाड़ी, एकदम किलर लुक रहता था जो रहता है ना। लैम्बोर्गिनी अभी भी अच्छा खासा गाड़ियाँ निकालती है, बट जो पहले के डिज़ाइंस थे ना यार, वो माइंड ब्लोइंग था एकदम। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, गाड़ी में बैठते हैं एंड हम लोग चलते हैं इसको रिपेयर करने। तो यार गाड़ी में हम लोग बैठे हैं, मतलब इंजन ठीक ठाक है, बट इसके बॉडी देखो बहुत ही ज़्यादा बेकार कंडीशन में इसकी बॉडी है। बट यार हम लोग इसको अच्छा खासा रिपेयर कर लेंगे, इतना तो मेरे को गारंटी से पता है। एंड इसको अच्छा खासा प्यार देंगे भाई, जिस तरीके से इसको चाहिए यार। लैम्बोर्गिनी पुरानी लेजेंड कार है ये। थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम होता है इसको पिक करने में, जैसे आवाज़ सुन रहे होंगे गाड़ी का, थोड़ा ये रजिस्ट कर रहा है चलने के लिए। क्योंकि यार बहुत टाइम से यहाँ पे पड़ा भी हो सकता है, हम लोग को पता नहीं कब से होगा यहाँ पे। बट यार जिसकी भी होगी ना, मतलब वो रिग्रेट कर रहा होगा, हो सकता है कुछ एक्सीडेंट हुआ हो, कुछ भी बोलो। गाड़ी तो मतलब यार मेरे भी दिल के करीब है यार, क्योंकि पहले लैम्बोर्गिनी यही सब हम लोग देखा करते थे टीवी में, भाई लैम्बोर्गिनी गाड़ी है, कुंटास देखते थे, डियाब्लो देखते थे, ये सब मतलब ना बचपन से एकदम हम लोग देख रहे हैं लैम्बोर्गिनी की ऐसी गाड़ियाँ आती है, तो वो फेवरेट में आ जाती है हम लोग के। हो सकता है ऐसा आप लोग के साथ भी हो। गाड़ी की हालत ना, मतलब बाहर से ही ज़्यादा टूटा फूटा है, अंदर से मतलब इसका इंटीरियर पूरा एकदम सही है, ठीक ठाक है। बस देख रहे हो अब मिरर कितना ज़्यादा टूटा हुआ है यार, तो ये सब देख के ना मज़ा नहीं आ रहा है। हम लोग इसको अच्छा खासा रिपेयर देंगे भाई, रिस्टोर करेंगे अच्छा खासा। मैं सोच रहा हूँ ना इसको हम लोग एकदम वाइट कलर में करें, क्योंकि वाइट कलर में भी प्यारी लगेगी एंड येलो कलर में भी अच्छी खासी लगेगी। देखते हैं, अभी तो पहले इसको अच्छा खासा इसके इंजन को रिपेयर करेंगे, बॉडी रिपेयर करेंगे। भाई डैमेज का देखो, मतलब बॉडी तो 100% हर जगह लाल लाल हो गया है, इंजन सिर्फ 26% डैमेज हुआ है। ठीक, तो अच्छा खासा अच्छी बात है, ये रिपेयर हम लोग इसको इजीली कर सकते हैं। थोड़ा सा ट्राई करते हैं पुल करने का, इंजन तो ठीक ठाक है, देखते हैं क्या इसका स्पीड रहेगा। भाई हम लोग इसको अपने गैराज में ले आए हैं, अब हम लोग इसको रिपेयर करते हैं।
तो यार मैं सोच रहा था ना इसको वाइट कलर देने का ना, यहाँ पे यार लाल कलर भी अच्छा लगेगा, येलो भी अच्छा लगेगा, बट नहीं, हम लोग इसको ये क्रीम वाइट में देंगे। बाकी अभी एलॉयस को हम लोग ब्लैक कर देते हैं। ठीक या एलॉय को भी हम लोग वाइट रखेंगे तो भी अच्छा दिखे मेरे ख्याल से। अब हम लोग इसको कस्टम अपग्रेड करते हैं, इसका इंजन जो भी डैमेज था उसको देखते हैं क्या है कैसा है। आप लोग अभी इसकी आवाज़ सुनो ना, एंड गाड़ी का लुक देखो भाई, पहले कैसे दिख रही थी एंड अभी देखो यार कितनी प्यारी दिख रही है, वाइट एंड वाइट है, मतलब एलॉयस भी वाइट है एंड पूरा बॉडी वाइट है। तो अब हम लोग इसको टेस्ट राइड करके देखते हैं। ओ भाई चक्का स्किड कर रहा है इसका पीछे का, एंड हम लोग को बहुत केयरफुली चलाना पड़ेगा यार, क्योंकि अभी अभी मैंने इसको रिपेयर किया है ना, हम नहीं चाहते कि यार मैं फिर से इसको ठोकूं एंड ये पहले जैसे कंडीशन में जाए, बिल्कुल भी नहीं चाहता मैं। अपने कलेक्शन में इसको ज़रूर से ऐड करूँगा। मेरे को ना यार एक चीज़ बहुत पसंद आता है पुरानी गाड़ियों में, जो इसका एनालॉग मीटर रहता है, खासकर आरपीएम वाला मीटर भी एंड स्पीड वाला तो रहता ही है यार, लेकिन बहुत ही प्यारा लुक आता है इससे, कसम से बता रहा हूँ मैं, मेरे को तो बहुत ही पसंद है। आप लोगों को क्या पसंद है यार कमेंट करके मेरे को बता सकते हो, आप लोगों को क्या डिजिटल पसंद है, डिजिटल एंड एनालॉग दोनों साथ में पसंद है या सिर्फ और सिर्फ एनालॉग। रोड में रखना पड़ेगा भाई, रोड में चल, रोड में चल, थोड़ी कंट्रोल करने में हो रहा है प्रॉब्लम। एक काम करते हैं हम लोग चलते हैं हाईवे की तरफ, इस पर टॉप स्पीड चेक करेंगे। मैं ये जो लाइट है ना, ये भी मेरे को बहुत ज्यादा पसंद है यार लैम्बोर्गिनी में, एंड बहुत सारी ऐसी गाड़ी में, पुरानी गाड़ी में ऐसा आता था तो जो पॉप करके ओपन होता था, पॉप अप होता था भाई, बहुत ही प्यारा लगता है। अभी क्या करते हैं ना हम लोग इसका एक बार टॉप स्पीड चेक करते हैं, यहाँ पे लॉन्च कंट्रोल में आ गए हैं। ओ भाई कितना चक्का स्पीड कर रहा है पीछे का, एंड हम लोग को थोड़ा सेफ भी चलाना पड़ेगा, मैं नहीं जाऊंगा यार पहले ही टेस्ट राइड में हम लोग इसको ठोक दें। एंड यहाँ पे ये 260 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में मेरे ख्याल से अचीव कर लेगा। यहाँ पे थोड़ा सा ढलान है तो हो सकता है और ज़्यादा चले जाए, बट नॉट मोर देन 260 मेरे ख्याल से तो नहीं जाएगा स्ट्रेट रास्ते में। बहुत ही अच्छी स्पीड है यार, थोड़ी ओल्ड गाड़ी है लेकिन यार स्पीड आप देख रहे हो 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में अचीव कर ले रहा है तुरंत तुरंत, मायने रखता है इतना मेरे ख्याल से स्पीड तो। क्या ही बैक फायर कर रहा है यार, यार इस वीडियो के लिए तो इतना ही था। यहाँ पे हम लोगों ने लैम्बोर्गिनी कुंटाज को रिस्टोर किया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल में नए हैं सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाना, ताकि यार आगे कोई भी वीडियो लाओ ना आप उसको मिस नहीं करें। एंड साथ में ना आप मेरे को बता सकते हो कमेंट करके कि आपको कौन सी गाड़ी का रिस्टोरेशन देखना है, मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा उसको अच्छा खासा रिस्टोर करने का। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो पर।